नंदा जय कारे नंदा जय कारे नंदा जय का कमरा यो खुमरी अरे तू तारी ऐस बोई रिते हाँ चीखे बिना आगे चीखे बिना आगे के मीठे 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 बोई रि कैसे नहना डोरी धर जोड़ी मोर जाही हरिया धरे पड़की नांगल पनागे मनला मोहागे सुवा मनला मोहागे। देसी टाक अपन बात अपन अंदाज। जय हो, मैं हूँ संदीप अखेल। आप देखो तो हमारे साथ देसी टॉक, और देसी टॉक में आज हमारे साथ है जन कवि मीर अली मीर जी। बहुत बहुत स्वागत है आप मन के देसी टॉक में। जय जोहार, बहुत बहुत धन्यवाद। जिन अतका शब्द है आपके पास के छत्तीसगढ़ी भाषा के, कैसे सृजित करे वापेला? हाँ, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। कहा होता है कि जब माँ जिन जन्म देते तो खर दूध के असर पूरा जीवन भर रहे थे। तो हमारे यहाँ माँ के मई के मुंगेली के पास एक ठीक प्रतापपुर गांव है, 10-15 किलोमीटर डिस्टेंस में। हाँ। तो जब ममा गांव जान तो वहाँ के माहौल लहमन देखन। हाँ। कि पूरा एक ममियारों के परिवार रहा है, 50-60 घर के नौजवान सियान लड़का सब मिलजुल के जब उखर मन के पारिवारिक वातावरण ला हमन देखा ना, विशुद्ध छत्तीसगढ़ी है भाई। मने एक ऐसे गांव प्रतापपुर जिहा के माटी कन्हारी माटी ऐसे मुठम धार के चाप दन तो गोटी नहीं आवे। ऐसा माटी वाले गांव कोरई घाते बिथिया रहा है, खदर के छानी रहा है। तो वहाँ के जब लोग बाग से हमन माँ बैठल जाए, एक घर वो घर मामा हिया नाना हिया छोटे नाना बड़े नाना, तुम्हार मन के दिन छत्तीसगढ़ ही भाषा के व्यवहार है पहला मैं सुनत रहा। अब बचपना में उतर अब तक अकल रहीज नहीं। हाँ। तो कवर्धा के माहौल और ममियारो गांव के माहौल आना जाना रहा है तो मोहल्ला के जिन असर है। हाँ। वो स्कूलों में दिखिल मिलीस। हाँ। तो शुरू से वातावरण बचपन से मिले है कि छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ ही भाषा कैसे रमे है। ठीक कहा तो आप लोगन कहते हैं कि यदि छत्तीसगढ़ ला समझना है, छत्तीसगढ़ी ला समझना है, छत्तीसगढ़िया ला समझना है तो एक बार आप मीर अली मीर जी से मिल लाओ। तो ऐसा काबर भाव आते हैं, ऐसा काबर लोगन कहते हैं? अब देखो मैं कवर्धा में जन्म लेता हूँ और कहाँ प्रतापपुर ममियारो वहाँ के माहौल मोटर में आना जाना, फिर पढ़ाई लिखाई जब हुई तो मैं चौथी पाँचवीं दशरंगपुर पढ़ेल चल दूँ। वही बीच में दुर्ग जिला रहा है। हाँ। तो मोला अंडा आजाद नगर अंडा दुर्ग से 8 किलोमीटर आगे वहाँ जाए के मौका मिली। पिताजी वहाँ पटवारी नहीं है। उखर बाद लाटा बोर्ड माने बालोद वहाँ से 15 किलोमीटर लाटा बोर्ड के जिन प्राइमरी स्कूल के माहौल है वहाँ भी जाए बर मिली। पटवारी रहा है हमारा पिताजी तो गांव के मन घर में बिल्कुल व्यवहार उखर मन के ऐसे रहा है। और कवर्धा में जब मैं रहा बचपना में देखा हमारे दादा तक पटवारी। तो गाँव के किसान मन जब आवें घर। हाँ। में कहीं पेशी उसी में कचहरी पा रहा सामने कचहरी रहा है। हाँ। तो पटवारी है उनका झोला रखा हुआ है। तो मल्ला हमार माँ फिर चावल दाल नमक राहर दाल मिर्ची बटलोही कोपरा थारी ये सब देवा है मल्ला। अच्छा। तो जाके नदिया किनारे सकरी नदी किनारे बहुत बड़ बर के पेड़ रहा है तो मन अधरा रच के छेना लेके आवा अपन गाँव ले और माँ खाना बनावा। अब खाना बढ़िया चावल डबका थे आलू पौले जा थे आलू चटनी पीछे जा थे। अब उखर बाद फिर नदिया से नहा के आगमन खा थे तो दृश्य हमन देखेल जान उखर मनसक बात करन। आऊ हमारे यहाँ कबू कबू कवर्धा से बोड़ला ब्लॉक में एक ठन गांव है हमार फूफू दादी के अंधरी कछार। अच्छा। हाफ नदी के किनारे अंधरी कछार वाकई में देखो कछारे चे वहाँ जब गर्मी की छुट्टी में जान तो आमा का सीजन रहा है। हाँ। 100 पेड़ आमा ऐसे खड़े होकर देखते डीपरा में पूरा आमा बगीचा वहाँ दिखा है। हाँ। एक काला जामुन जिला राय जाम कहान। हाँ। एक हर पेड़ फड़े रहा है। तो वहाँ ले जब हमारे फूफू दादी मन आवा है कवर्धा वो जमाना मोटर गाड़ी कम रही से कैसे वो मन आवा रेंगत रेंगत फिर बोड़ला आके मोटर में आवाए तो खोइला लेके आवाए आमा का खोइला पताल के खोइला सेमी खोइला
भाटा खोइला माने जतेक प्रकार के खोइला वो जंगल राज में ओमन कर सकते हैं वो सब चीज धर के आवे तो हमन उखर मन से बातचीत करन तो उखर से फिर नया एक संस्कार पैदा हुई कि वाकई में ग्रामीण परिवेश में आज भी यदि वो प्रकार के व्यवस्था रखे जाए तो निश्चित रूप से जिन पताल बहुत ज्यादा हो गए टमाटर बहुत ज्यादा हो गए तो फेंक देते हैं तो उखर से दूरदर्शी रही ना वो टाइम से। हाँ मन बिल्कुल ऐसे वो जमाना में पाश्चुरीकृत करेगा कोई सिस्टम नहीं घाम में सुखो दें सभी ड्राई फ्रूट्स वो जमाना हाँ, वही जब वही वो ऐसे सुंदर मिठावा हुआ बरसात के सीजन में तो उखर जिन वो क्षेत्र के बातचीत है ग्रामीण परिवेश के बैगा क्षेत्र है तो वहाँ से शब्द मिला है नया नया तो वो शब्द मन आज मोला क्लिक करते हैं कि वाकई वो शब्द ला तक कैसे उपयोग करवे अपन कविता के माध्यम से गीत के माध्यम से और समाज में वो नया शब्द है तेला कैसे पहुँचाया जाए ताकि वो मन ये समझें कि हमारे छत्तीसगढ़ी भाषा कतेक संपन्न भाषा है। सही कहना है आपने। आप दशरंगपुर में रहे हो तो पहली बार जब आप जिन्हें मंच में आए ओखर बारे में आप हम लोग बताओ। हाँ दशरंगपुर में जब कवर्धा के एक तो शहरी माहौल थोड़ा बहुत हमन जान जब गहूँ वहूँ पिसायल जान तो कोई बीच शहर ला पार करके जायल पड़े एक ठन मिल रहा है वो टाइम डीजल वाला। उखर बाद जब दशरंगपुर में हम पहुँचे तो चौथी और पांचवी में थोड़ा सा एक नया माहौल मिली समझला। हमार मिश्रा सर नाम तो पूरा याद नहीं है 1962 के बाद है तो वो मन जब नाटक करावा स्कूल में छोटे छोटे सांस्कृतिक कार्यक्रम करावा तो हमन ला कागज में गीत लिख के दे देवें। अच्छा तो शुरुआत में जब मीर अली मीर मंच में गीत गाते चौथी क्लास में हाँ। तो वो आज तक मेमोरी में है याददाश्त में वो जमाना में कोई चीज रट जाए ना सही तो जीवन भर नहीं भुलाया जाए तो है। हिंदी में एक भजन रही से हाँ। शिव भोले बम बम भोले सेवक चरणों में लाज हो प्रभु पार लगा दो नावरिया प्रभु पार लगा दो नावरिया। तो नाटक जब शुरू हुए पर्दा उठे हाँ। ये भजन ला गात गात हमन मंच में जान हाँ। उखर बाद जब महाराणा प्रताप के ऊपर जब नाटक के मंचन करें तो मैं वहाँ महाराणा प्रताप बने रहे वाह। तो वो माँ एक अद्भुत हमन मिश्रा सर के प्रयोग ला मैं देखा हूँ आज भी सुरता आते तो मन कविता बनाई कि रंच मात्र धरती भी देना हमें नहीं स्वीकार है भारत का हर वीर सिपाही पत्थर की दीवार है और जो चोरी से मेरे घर पर अपनी नजर उठाएगा वह पापी वीरों के हाथों मिट्टी में मिल जाएगा। कि रंच मात धरती भी देना हमें नहीं स्वीकार है और भारत का हर वीर सिपाही पत्थर की दीवार है। ऐसे रचना के माध्यम से हमर गुरुजी मन हमला मंच में ला करके एक पढ़ाई के अलावा जिन पाठ्येतर गतिविधि की थी ना उमा शामिल होने के मौका दे मैं खेल कूद चले तीन टंगी दौड़ चले अच्छा। बोरा दौड़ चले जलेबी दौड़ चले हाँ। वो जमाना में वो परिवेश वो अभी भी जब सुरता कथन हमन तो जमाना के शिक्षक और स्कूल के वातावरण स्कूल में बगीचा रहा धनिया में थी बोवन बाग बगीचा साफ सफाई के माहौल भी स्वच्छ भारत अभियान के जिन कल्पना हमन आज करत हन वो हमार गांव में बहुत पहली बहुत से हमारे गुरु जी मन चलत रही ने। आपके राजिम से भी बड़ा जुड़ाव रही से हाँ। और राजिम से बहुत सारा स्मृति आपके मन में है स्मृति पटल में है ओखर बारे में आप हम लोग चाचा मेर जब पढ़े गए बरोंडा बरोंडा में आठवीं पास करे के बाद मेला अब नौवीं पढ़ना है तो राजिम रहा तीर में तो साइकिल चलायल में वह सीखे चचौद में जला आजकल श्याम नगर कही थे तो साइकिल चलाए में सर तो रहा है कि बिना माड़ी को नहीं छोलाए नहीं सीख सकते सही करना वहाँ की माटी वो सरते लागू हाँ, वहाँ के माटी में मुर्गी माड़ी के जिन लहू है तेन सना ऐसा पवरित भुइया में रह के हाँ। मैं कैंची फास शुरू शुरू में साइकिल चलाए फिर धीरे हैंडल में फिर सीट में हाँ। तब वो वहाँ ले 8 किलोमीटर राजिम जाऊँ पढ़े हाँ। बर नवीं क्लास हाँ। नवीं क्लास जब राजिम पढ़े जाऊँ तो अब गाँव मोटर गाड़ी बहुत लिमिट चलना तो वापसी में थकान लगे
तो हमारी एक चाची, जैसे मैं स्कूल ले आते हूँ तत्काल भोजन की व्यवस्था करती, तो थके मांदे आए हो ये करके, भले टिफिन ले जाओ। तो वहाँ जो नौकर चाकर मन है, भरोसा मामा, तो भरोसी मामा, तो काका, तो दीदी, ऐसे रिश्ता हमार चाचा जी जैसे गांव के आदमी मन से बनाई। तो हमार कोई काम हो जैसे दूध लेबर जाना है, हृदय राउत यहाँ, पति जति राउत यहाँ जाना है, साली काका यहाँ जाना है, ऐसे कि नाम धर के हमारा भेजा है कि फलाने यहाँ जाना है। तो मामा मामी की जो रिश्ता हमारे छत्तीसगढ़ में, मैं पूरे साल देखे हूँ, जब भरोसी मामा का नाम लें तो फिर एक मामी आके गोड़ छुए लग गए मोर भाँचा इस कहीं के, ये संस्कार मैं देखे आज भी छत्तीसगढ़ में हवा। होते एक साल बाद, होते 15-20-25-30 साल बाद में वो गांव गए, तब वो नतल आज भी निभावत है। तो ये संस्कार जब मैं अंदर से महसूस करता हूँ गाँव के, तब वो गाँव के बोली, वो गाँव के गीत, ओखर माध्यम से मोर शब्द भंडार बढ़ जाते। तो वो माहौल मिले के बाद जब मैं राजिम आए तो साहित्यिक वातावरण मिल गए। पवन दीवान जी वो टाइम राजिम के वातावरण शुरू से साहित्यिक वातावरण, शुरू से राहित साहित्यिक वातावरण, पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के जमाना से। तो जब पवन दीवान जी ला, कृष्णा रंजन जी ला, रवि श्रीवास्तव, हमारे जन इतिहास बढ़िया रहा है, मनहरन लाल दुबे जी, पुरुषोत्तम अनासक जी, एक राही करके रही ने राजिम के। और वही टाइम में देना बैंक में एक बाबू के रूप में आ रही ने प्रदीप चौबे करके, तो वो बड़ा हैंडसम पर्सनालिटी। तो वो खर जन वही प्रदीप चौबे जन बड़े कवि, बड़े अखिल भारती, अभी अभी बेचारा देवलोक पहुंची से, मन के देवता बने बेचारा, अति अच्छा। तो वो हम ओखर जब कविता ला सुना ना, छोटे छोटे कविता पढ़ाए, तो हमन बात बात में ओखर मन संग मजाक करन, हमन पढ़े लिखा वो बैंक वाला बाबू, तो वो हिंदी में लिखा है, पवन दीवान जी की तो हिंदी छत्तीसगढ़ी दोनों लिखा है। और कृष्णा रंजन के मन संचालन रहा है, वो तो बाद में बेचारा योगी बन गए, लेकिन पहली ओखर वेशभूषा, लंबा लंबा बाल रहा इतना बढ़िया, और मन संचालन में जान डाल रहा है वो। आज भी मुला याद आते तो राजिम मैं जीवन भर नहीं भूल सका, जहाँ से मोर विद्यार्थी जीवन में कविता यात्रा शुरू हुई, और आज तक मैं वो कविता यात्रा में राजिम ल साथ लेके चला था। सिर्फ स्वराज एक्सप्रेस में।